टाइनो सिरप से हलाकतों पर मुलजिम फिदा हुसैन और सरफराज के खिलाफ केस पर समाअत। सेशन कोर्ट ने मुकदमे में दीगर गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। आपको यहाँ अपडेट करते चले, टाइनो सिरप से हलाकतों पर मुलजिम फिदा हुसैन और सरफराज के खिलाफ केस पर समाअत हुई और इस समाअत में सेशन कोर्ट ने मुकदमे में दीगर गवाहान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अरशद अली से। जी अरशद अली, बताएगा समाअत में क्या पेशरफ्त हुई? जी सर, अडिशनल सेशन जज जवेद अशरफ ने टाइनस सिरप के से हलाकतों के मामले पर केस की समाअत की है। दो मुलजमान को जो है वो सख्त सिक्योरिटी में कमरा अदालत में पेश किया गया, ताहम जो है वो थाना शाहदरा पुलिस आज जो है वो गवाहान को पेश नहीं कर सकी, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए आयदा समाअत पर तमाम गवाहान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत के रूप जो है वो अदालत को सरकारी वकील ने बताया कि टाइनस सिरप पीने से 12 साल की हलाकतें हुई थी और जिसमें जो है वो अभी तक 5 गवाहान ने अपनी शहादत कलमबंद करवाई थी और थाना शाहदरा पुलिस ने जो है वो इसका मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने मजीद समाअत 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। ठीक है, मजीद समाअत को 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा समाअत में मजीद गवाहान को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।